तो आज परम पूज्य दादा गुरु महाराज की पुण्यतिथि है। हम संतों की पुण्यतिथि नहीं मनाते क्योंकि वो तो जीवन मुक्त होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो तो केवल व्यक्त से अव्यक्त हो जाते। परम पूज्य गुरु महाराज ने पर्दा करते वक्त कहा था कि मैं कहीं जा नहीं रहा और मैं इस देह को त्याग करने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और तुम लोगों की पहले से ज्यादा मदद कर सकूंगा। और आज स्वतंत्रता संघ दिवस भी है और जब दादा गुरु महाराज और गुरु महाराज का जन्म हुआ था तब देश गुलाम था और करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले मुगल शासकों के गुलाम थे। तो इतने लंबे समय से गुलामी को सहते हुए जो आम देशवासी है उसका दिल दिमाग में ये घर कर गया था कि ये गुलामी ही मेरी नियति है। ऐसे में परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने ये अध्यात्म विद्या फैलाई। पहले गुरुकुलों में ये पढ़ाई पूरी करने पर अध्यात्म विद्या सिखाई जाती थी, जिससे मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में क्या संबंध है और दूसरे जीवों से मनुष्य का क्या संबंध है यह सीखा जाता था। इसी कारण जो संत एकनाथ थे उन्होंने जो शिवजी के अभिषेक के लिए जो गंगा जल वो किलोमीटरों से पैदल ला रहे थे, वो प्यास से मरणासन एक गधे में शिव जी का रूप देखकर उसको पिला दिया। तो परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने ये बताया कि ये जो सुख दुख है वो तुम्हारे बाहर की किसी परिस्थिति के कारण नहीं है, ये तो आपके भीतर की परिस्थिति के कारण। आप देखें तो ये कहा गया है कि गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे। कि जब ज्ञान हो जाता है तो ये सुख दुख दोनों एक समान ही लगते हैं। अभी हम सुन रहे थे कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े त्याग हंसते हंसते कर दिए और यहां तक कि फांसी पे भी वो हंसते हंसते ही चढ़े। तो इसके लिए यही बताया है कि सुख दुख इसलिए है कि दुख का कारण ये है कि हमने उस शक्तिवान से उस पे भरोसा छोड़ दिया है, उसका आसरा छोड़ दिया है और उसकी निकटता को छोड़ दिया है, उससे दूरी बना ली। उन्होंने बताया कि हम यदि गुरु के सहारे रहें और गुरु का चिंतन करते रहें तो गुरु की शक्ति हमें प्राप्त होती रहती है और धीमे धीमे हम गुरु के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मेरे नाम राम के नाम को चाहे रीज भजो चाहे खीज,
वो भलाई करने वाला है। आप भूमि में किसी बीज को चाहे सीधा डालें चाहे उल्टा डालें, वो अंकुरित होने में उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परम पूज गुरु महाराज ने यही बताया कि जब हम भंडारे में 3 दिन सतत गुरु का चिंतन करते हैं तो हमारे शरीर के परमाणुओं में एक स्थायी परिवर्तन हो जाता। तो उन्होंने यही बताया कि मिलते जुलते रहो और एक परिवार के रूप में मेरे से एक पारिवारिक संबंध बना लो जिसमें तुम मुझको याद कर सको और मुझसे प्रेम कर सको। और ये जो हमारी पिकनिक है ये भी उस परिवार का एक सांसारिक रूप है और प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका है। तो हम सब परम पूज दादा गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम उनके बताए रास्ते पे चल सके। 2 मिनट आंख बंद कर गुरु महाराज का ध्यान करेंगे और ये जो नैवेद्य है ये उनको अर्पण करें और ये प्रार्थना करें कि वो हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए रास्ते पे चल सके। Peace.